हाँ राम कुमार जी बताइए, क्या है ये पूरा मामला? जी मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है 3 दिन पहले का मामला है। जो 5 वर्षीय एक बच्ची थी नरसिंहपुर जिले के स्टेशन के पास, वो भीख मांगते थे, उनके माता पिता उनकी बच्ची थी, और उसके साथ जो दुष्कर्म का मामला हुआ था, जिसके चलते पुलिस ने बीती रात को आरोपी को गिरफ्तार किया है। और जो आरोपी है वो पुलिस में खुद कुक था, जो वहाँ के बटालियन रहती है उसमें कुकिंग का काम करता था। आरोपी का नाम मरकाम संतोष मरकाम बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है। जी पुलिस ने आज पूरे मामले की जानकारी प्रेस वार्ता के द्वारा दी गई है कि बीती दिवस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, और पुलिस ने जो है उसको न्यायालय में पेश करके रिमांड पर लिया है। आगे की पूछताछ जारी है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मामला जो 25 तारीख की सुबह को हुआ, 5 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला, इसमें फुटेज प्राप्त किए गए, पूरी पुलिस टीम इसमें कार्रवाई के लिए लग गई, अलग अलग टीमें गठित की गई पतासाजी के लिए। फुटेज को अध्ययन किया गया, फुटेज को अध्ययन करने के बाद एक महत्वपूर्ण सूचना 2 आरक्षक हमारे राजकुमार और विक्रांत जाट इनसे प्राप्त हुई कि ये आरोपी जो पहचाना हुआ है और इसका ये एक कुक है, ये कुक जो है ये नरसिंहपुर में पदस्थ है, इसको बुलाकर हमारे द्वारा स्वयं पूछताछ की गई और इससे जो फुटेज है उसका उसके बारे में पूछा गया, दिखाया गया। शुरू में अनभिज्ञता जाहिर की गई, पर उसके बाद गहन पूछताछ के बाद इसने अपना अपराध स्वीकार किया, और अपने अपराध में जो इसने कपड़े पहने हुए थे उनको भी जब्त किया गया। कहाँ पदस्थ है सर, कौन सी बटालियन में, और इसके अलावा ये क्या बताता है, कैसे इसकी हिम्मत हुई सर? ये जो कुक है ये 6th बटालियन में पदस्थ है, अभी ये वर्तमान में नरसिंहपुर में पदस्थ है लाइन में ही। और ये जो है जो कारण इसमें समझ आ रहा है, सबसे पहले वो अत्यधिक शराब पीने की वजह से और उस समय नशे की हालत में ये उससे कुकर्म किया गया है। सर कहीं ना कहीं आरोपी ने पहचान छिपाने की भी कोशिश की है इन दिनों में? ऐसी कोई चीज़ अभी सामने नहीं आई है कि इन्होंने कोई छुपाने का काम किया है या कोई ऐसी कोई साक्ष्य मिटाने की कोशिश की है। सर इस केस को कैसे आगे बढ़ाएं? पुलिस इस केस में पुख्ता साक्ष्य इकट्ठे कर चुकी है और बहुत सारे एविडेंस हमें मिले हैं। इसमें एविडेंसेस को फास्ट ट्रैक में रखा गया है, इसमें माननीय न्यायालय को भी निवेदन किया गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए। साक्ष्यों का विश्लेषण जो है वो प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और इसमें चालान पेश किया जाएगा। सर, इसको गिरफ्तार कहाँ से किया गया? इसको गिरफ्तार जो किया गया है ये हमारे यहाँ शहर से गिरा गया है। सर फिलहाल बच्ची की कंडीशन कैसी है? बच्ची की कंडीशन जो है वो ठीक है, अभी खतरे से बाहर है।